हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आए हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं सूजी अनियन उत्पम। सूजी और प्याज के उत्पम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। हम इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। बिना बेकिंग सोडा से हम इसे बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इसमें एक कप सूजी ली है, बारीक वाली सूजी ली है। आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप इसमें मोटी सूजी को मिक्सी में पीस कर यूज़ कर सकते हैं। तो आधा कप हमने दही का ले लिया है, थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। यदि आप दो कप सूजी लेते हैं तो एक कप दही का लीजिए, मतलब जितनी भी आपने सूजी लेनी है उससे हाफ क्वांटिटी में दही लेनी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमें इसे 2 घंटे के लिए ढककर रेस्ट के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे इसलिए रख रहे हैं हम क्योंकि हम इसमें बेकिंग सोडा नहीं डाल रहे हैं। ये देखिए 2 घंटे के बाद कितनी अच्छी तरह फूल चुकी है हमारी सूजी। अब इसमें हमें बेकिंग सोडा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें डालेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार और डालेंगे काली मिर्ची। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस बैटर हमारा रेडी हो चुका है। और ये प्याज हमने काट कर रखे हैं लच्छे में, लंबे लंबे प्याज, और हरी मिर्ची काट कर रखी है। आप चाहें तो फाइन चॉप करके भी प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैन पर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इसके ऊपर बैटर डाल देंगे। आप जितने भी बड़े शेप के बनाना चाहते हैं, बड़े या छोटे, हम थोड़े से मीडियम साइज़ के बना रहे हैं। इस पर डाल देंगे हम प्याज, और प्याज के साथ इस पर डाल देंगे हम कुछ हरी मिर्ची। हम इसमें ऊपर से नमक नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने बैटर में नमक ऐड किया हुआ है। 1 मिनट तक हम इस साइड से पका लेंगे और 1 मिनट तक दूसरी साइड से पका लेंगे। इसके कुछ बूंदे ऑयल की डाल दिए हमने ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। देखिए दोनों साइड से ये पक कर रेडी हो चुका है, निकाल देंगे। आपको एक और बनाकर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा बैटर है कितनी अच्छी तरह इसमें जाली बनी है, क्योंकि हमने इसे 2 घंटे तक फूलने के लिए छोड़ दिया था इसलिए। आप इंस्टेंटली बनाना चाहते हैं, मतलब आप झटपट उत्पम बनाना चाहते हैं, तो उसकी रेसिपी भी हमने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है वेजिटेबल उत्पम के नाम से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। आप देख सकते हैं वेजिटेबल उत्पम है और वो फटाफट से बनकर रेडी हो जाते हैं। और उसमें आपको इस तरह से 2 घंटे के लिए बैटर को भी भिगो कर नहीं रखना पड़ता है। ये देखिए ये दूसरा उत्पम भी रेडी है। एक और उत्पम बनाएंगे लेकिन उसमें हम जो है हरी मिर्ची और प्याज के साथ साथ लाल मिर्ची का इस्तेमाल भी करने वाले हैं। ये प्याज डाल दिया, हरी मिर्ची डाल देंगे और साथ में डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इस कुछ बूंदे तेल की डाल देंगे। 1 मिनट के लिए एक साइड से पका लिया और 1 मिनट के लिए दूसरी साइड से पका लेंगे। ये देखिए बनकर रेडी हो गया ये उत्पम भी। बाकी के बैटर से भी हम इसी तरह से उत्पम बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, बनाकर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए सूजी के उत्पम बनकर रेडी है। एक आपको काट कर भी दिखा देते हैं कि अंदर से ये किस तरह से बना है, कितना सॉफ्ट बना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल बटन को प्रेस करने से ही आप तक हमारी वीडियोस की जानकारी पहुंच पाएगी। तो जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।